Hello guys, my name is Ayush Khanna. You are watching our channel Ayush Khanna Classes. I hope कि आपको सारे basics concept clear हो जो हमने पिछले 3 lectures में cover किए हैं GST के. आज हम लोग क्या cover करने जा रहे हैं? आज cover करने जा रहे हैं compositions की, positions की, ये हमारा CGST एक्ट का सेक्शन नंबर 10 रूल कौन सा है? ये 327. नाउ लेट अस स्टार्ट. कंपोजिशन स्कीम क्या कहता है? कंपोजिशन स्कीम कहता है कि अगर कोई पर्सन की रजिस्ट्रेशन हो गई है जीएसटी एक्ट के अंदर, रजिस्ट्रेशन हो गई है कितने टर्नओवर पे? 20 लाख या अबव. 20 लाख पे जब हो जाए तो फिर एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन अपनी करानी पड़ेगी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है. अगर 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर पे उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई और उसके टर्नओवर 1 करोड़ तक ही है, उसकी टर्नओवर 1 करोड़ तक ही है, तब उस तब वो तब उसको अलाउड है कंपोजिशन स्कीम ऑफ करने का. अब वो रजिस्ट्रेशन लेते ही एक SSC कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है. जब उसने कंपोजिशन स्कीम ऑफ करना है तब कैसे करना है उसको ना, एक रूल 3 के हिसाब से, रूल 3 के हिसाब से कुछ को ऑप्शन में कि एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पार्ट बी होएगा, जो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसका पार्ट बी फॉर्म REG 01. आपको ये फॉर्म्स लगने की जरूरत नहीं है इतनी, हो सकता है आपके MCQs में पूछ लें पर इतना नहीं वो लोग कभी करेंगे. Rule 3 Part B. Rule 3 Part B REG 01. अब अगर पर्सन इंटरस्टेट सप्लायर कर रहा है गुड्स के, उसको तब कॉम्पिटिशन स्कीम अलाउड नहीं है आउट करना. या वो ECO है, दैट ECO के इकोनॉमिक सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अगर वो है तभी भी वो कॉम्पोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकता. अगर कोई पर्सन पान मसाला टोबैको या आइसक्रीम्स के बिजनेस में इसको सेल परचेज करता है तभी भी वो ऑप्ट नहीं कर सकता, आइसक्रीम्स के केस में भी. ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन अदर देन रेस्टोरेंट बिजनेस, अगर कोई बंदा मैन्युफैक्चरर है कह दो या कोई और काम कर रहा है इन तीन चीज़ों के ऊपर छोड़ के और विद इन स्टेट, तो फिर उसको अपनी जेब से 0.5% प्लस 0.5% CGST और SGST देना पड़ेगा, दैट इज 1%. और रेस्टोरेंट के केस में 2.5% और 2.5% CGST और SGST. अब देखो इसकी कैलकुलेशन चेक करो. जैसे एक पर्सन ने 10 लाख का सामान खरीदा, 10 लाख का उसने रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर उसने CGST पे किया, SGST पे किया कितना? चेक से 10-10%, 1 लाख एंड 1 लाख, 12 लाख के उसको गुड्स पड़े. अब जब वो सेल करेगा ना आगे तो उसको 12 लाख ही कॉस्ट पड़ के और अपना प्रॉफिट लगा के, जैसे सपोज 4 लाख उसने प्रॉफिट लिए
प्रॉफिट अपना लगा के 16 लाख पे वो आगे सेल करेगा, इस पे वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता ना, जीएसटी वो कलेक्ट कर सकता है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं, जीएसटी वो कलेक्ट कर नहीं सकता, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिलेगा नहीं, जबकि उसको 1%, क्योंकि इसमें 1% के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। 1% कितना हो गया, 16 लाख का, चेक कर लेते हैं अभी। सिक्सटीन लैक्स का 1%, वन परसेंट 16,000 रुपीज उसको खुद पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे, अगर पर्सन रॉन्गफुल तरीके से, या कह लो रॉन्ग उसने ऑप्ट किया, ये रॉन्गली ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम, तो उसको सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 73 और 74 के में उसको फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी लग सकती है उसको, पेनल्टी, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, अगर पर्सन नॉर्मल स्कीम है, अगर पर्सन ऑलरेडी नॉर्मल स्कीम में है, अगर पर्सन ऑलरेडी नॉर्मल स्कीम में है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है बाद में भी। कैसे, उसको एक फॉर्म CMP02 में एक इंटीमेशन देनी पड़ेगी, और नेक्स्ट पर्सन और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे से, फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे से उसको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट हो जाएगी। और इस केस में जो उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था इस दौरान जब नॉर्मल स्कीम में था, वो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उसको उस केस में रिवर्स एक 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 स्टेटमेंट देनी पड़ेगी रिवर्सल की, किसकी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो उसने लिया था, कौन इसका भी फॉर्म, फॉर्म नंबर 03, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 डेज में, कब, 60 डेज विद इन फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के 60 डेज के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर अंदर उसको सारा टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, उसकी स्टेटमेंट फर्निश करनी पड़ेगी कि मैंने टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर दिया। अब आगे, अब एक कोई पर्सन है, उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है किसी स्टेट में, ठीक है, वो भी नॉर्मल स्कीम में जा सकता है, एक इंटीमेशन दे के, फॉर्म नंबर उसको एक और फर्निश करना पड़ेगा, एक इंटीमेशन देनी पड़ेगी, फॉर्म नंबर CMP04, और उसको एक अपना फॉर्म नंबर ITC01 में एक फिर से एक और स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, ITC अवेल करने के लिए, ITC अवेल करने के लिए, जो कि उसको विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉ,
आई होप सब आप ये छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स मिला रहे हैं रिविजन पर्पज के लिए, ठीक है। अब आगे क्या, अब आगे क्या है? देखिए अब एक रूल हमारा 4 है, सेक्शन 10 का रूल 4 है। अगर कोई ये पे करना चाहता है टैक्स कंपटीशन स्कीम के अंदर, सेक्शन 10 के अंदर कोई पे करना चाहता है, तो फिर वो बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा। पर अगर वो न्यू रजिस्ट्रेशन है, इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर वो न्यू रजिस्ट्रेशन है तो फिर ऑन द डेट ऑफ द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से उसका अप्लाई हो जाएगा, उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से नहीं, उसका उसी टाइम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक रूल 5 के हिसाब से हमने ऊपर देखा कि एक ईसीओ नहीं ले सकता कंपनसेशन स्कीम, एक ईसीओ नहीं ले सकता कंपनसेशन स्कीम, एक और कौन नहीं ले सकता, 1% तो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, एक पान मसाले वाला टोबैको वाला आइसक्रीम वाला नहीं ले सकता रजिस्ट्रेशन। वैसे ही रूल 5 के हिसाब से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी कॉम्पिटिशन स्कीम के अंदर नहीं ले सकते रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जॉन सी डेट से, जॉन सी डेट पे वो कर रहा है, 1 करोड़ से एक्सीड कर दिया उसकी टर्नओवर लिमिट, उसी दिन से वो ऑटोमेटिकली चले जाएगा कॉम्पिटिशन से निकल के नॉर्मल स्कीम में ऑटोमेटिकली। ये कौन सा रूल है? रूल 6, ठीक है। अब ये 1 करोड़ की लिमिट में अभी 1 करोड़ की लिमिट में कौन से स्टेट्स आते हैं और नहीं आते हैं? ये देखो, एक जम्मू कश्मीर तो आ ही रहा है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर आना है, उत्तराखंड भी आना है, उत्तराखंड भी आना है, और बाकी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में टर्नओवर लिमिट चाहिए 75 लाख कॉम्पिटिशन स्कीम के लिए, 1 करोड़ जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और बाकी सारे स्टेट्स के, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जो से स्टेट्स फॉल करते हैं वो होंगे आपके एक अरुणाचल प्रदेश, एक असम, एक ही ज्यादा लिख दिया, असम, एक मणिपुर, एक मेघालय, एक मिजोरम, एक नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, सिक्किम ये आप लिख लो, बहुत जरूरी है, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये स्टेट्स में
75 लाख रुपीज चाहिए कंप्यूशन स्कीम, और जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए इन स्टेट्स में चाहिए 10 लाख रुपये टर्नओवर, 10 लाख फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड 75 लाख फॉर 75 लाख फॉर कंप्यूशन स्कीम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आज लेक्चर खत्म, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कि एक कैसे रिवर्स होती है, उसका प्रैक्टिकल सम हम करेंगे इसका। और एक हम लोग अगले लेक्चर में वैल्यू ऑफ सप्लाई टॉपिक कवर करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई का हमारा सेक्शन नंबर आता है जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 7, सेक्शन 7, ठीक है, सॉरी सेक्शन 7 नहीं है, ये सेक्शन 15 है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन 15 पूरा कवर करेंगे, इसका सेक्शन 10 का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेंगे, सेक्शन 15 में कवर करेंगे। ये कंप्यूटेशन स्कीम अब हमारा खत्म है, बस एक प्रैक्टिकल सम उठाना और वैल्यू सप्लाई अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। थैंक यू। और हाँ, अपने अपने सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स और सीएम इंटर वाले स्टूडेंट्स अपने अपने स्टडी मटेरियल के 64 64 64 टॉपिक्स में करा चुका हूँ, उसके क्वेश्चंस शुरू कर दो करना। अब आप देखोगे कि कुछ टॉपिक्स आपने सर कराए नहीं कंप्लीट, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं करा दूंगा। अब जैसे ये देखो, अगर मैं इधर सीएम में एक ही साइट खोलूं, देखो स्टडी मटेरियल खोला इसका, इंटरमीडिएट स्टडी मटेरियल और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, देखो ये एक कल मैं टॉपिक छोटा सा समझा दूंगा, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मैं आने वाले आगे लेक्चर्स में कवर कर दूंगा। ये देखो जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी, ये तो आप सिंपल है कर लो, एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी ढाका कर लो, छोटा सा है। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, ये मैं आपको कराऊंगा अगले लेक्चर में, अगले कुछ लेक्चर्स के बाद। ये जो सम्स मैंने कराए थे ये वो है, फिर उसके बाद ये जो केस लॉज हैं अभी तक थोड़े, ये अभी बस एक रीड कर लो सारे केस लॉज, अभी डिटेल ना पढ़ो, ये भी आपके इंटर लेवल पे पूछेंगे नहीं इतना, ये मेन होता है आपका फाइनल लेवल के लिए, वन टैक्स वन नेशन, इतना कुछ ये इम्पोर्टेंट है नहीं। ड्यूअल जीएसटी मॉडल देख लेना, छोटा सा इजी सा, फिर उसके बाद इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस वो है, फिर वो इस तरह सम्स है आपका चैप्टर नंबर 1, तो मैं आपको ऐसी सम्स से ही कंप्लीट करा दिया, कुछ इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब अगले आप चेक करोगे कलेक्शन एंड लीवाई ऑफ जीएसटी, जीएसटीएन भी आपको मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करा दूंगा।
ये थोड़ी डेफिनेशंस है, इम्पोर्टेंट हैं सारी की सारी, छोटी छोटी डेफिनेशंस है, कर लो, इजी इजी है। हाँ अब ये देखो, अब अगला टॉपिक स्टडी नोट टू, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। इसमें देखो आपको मैंने कॉम्पिटिशन लेवी करा दिया, ठीक है। स्कोप ऑफ सप्लाई कल शुरू हो जाएगा, इसमें आपका आएगा टाइम ऑफ सप्लाई, ए मीनिंग ऑफ सप्लाई, सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई, सॉरी वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कल पूरा। बाकी जो तो क्वेश्चंस आप देख ही जा रहे हो वो साथ साथ कर भी जाओ, ठीक है। ओके थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आपको आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।